सबको मेरा नमस्कार। मैं इस देश का एक सामान्य इंसान, आपके सामने बात करने के लायक भी नहीं, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है। 5 दिन पहले कारपेंटर का काम करने वाला चंदू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, मगर आज उसका परिवार जिंदा नहीं है। उसकी वजह इस देश का एजुकेशन सिस्टम। इस देश में 73% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करने आपके सामने आया हूं। हमारे देश की गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थिति है, उसमें क्या है क्या नहीं है, यह सोचा जाए तो उसमें जो होना चाहिए वो होता ही नहीं। नंबर 1 पे होती है फैकल्टी, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक। अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है, मगर गवर्नमेंट स्कूल में आप अच्छे शिक्षक की उम्मीद ही नहीं कर सकते। 25% टीचर स्कूल में आते ही नहीं, और कुछ स्कूल्स में हेडमास्टर भी नहीं होते, और कुछ स्कूल्स में 25% टीचर्स के पोस्ट खाली ही रहते हैं। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक संस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश के बहुत से स्कूल्स में ढंग के क्लासरूम्स भी नहीं, अभी भी पेड़ के नीचे या सड़कों पे पढ़ाई होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में ब्लैक बोर्ड ना होने की वजह से दीवार पर लिखकर पढ़ाया जाता है। काफी स्कूल्स में बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हैं भी तो काम नहीं करते। नंबर 3, क्लेनलीनेस। हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, और अगर है तो गंदे है। छोटे छोटे बच्चे दिन में 8 घंटे स्कूल में ही रहते हैं, अगर स्कूल साफ नहीं रहेगा तो बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे। नंबर 4, मोटिवेशन, प्रोत्साहित करना। तुमसे ये तो हो ही सकता है, ठीक से प्रोत्साहित करने से ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। एनकरेज करने के लिए हमारे देश के टीचर में सब्र की कमी है। अपने देश में राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अनुसार 8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री, मगर क्वालिटी बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी तक कितने राजनेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए तो ना के बराबर, ऑलमोस्ट 0। आश्चर्य की बात ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर यही हाल है तो कौन से माँ बाप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत करेंगे। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्राइवेट स्कूल में सभी फैसिलिटी होती है, मगर फीस फिर क्वेश्चन मार्क। डोनेशन, एडमिशन फीस, कैंपस डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, इन सारे फंड्स के नाम पर पेरेंट्स से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कमाई का आधा हिस्सा अगर बच्चों की फीस पे चला गया तो आधे पैसे से घर कैसे चलेगा, संसार की गति रुक जाएगी। इसी तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ताकत नहीं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा नहीं होगी तो बहुत से परिवार मर मर के जी रहे। इस समस्या का एज अ कॉमन मैन मेरे पास सोल्यूशन है। देश के हर प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के सारे प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा, मगर ऐसा करने से प्राइवेट स्कूल ओनर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना उन्होंने खर्च किया है उतना गवर्नमेंट उन्हें चुका दे और स्कूल्स को अपने कब्जे में ले ले, या स्कूल्स को लीज पर ले ले। ये मुमकिन नहीं कहने वालों को बता दो कि रोड का जब एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन के लिए जो जमीन ली जाती है उस जमीन का पैसा गवर्नमेंट उन मालिकों को देती है, चाहे वो खेती की जमीन ही क्यों ना हो। अगर ये गलत नहीं है तो प्राइवेट स्कूल पर गवर्नमेंट का कब्जा भी गलत नहीं है, और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। कई फॉरेन कंट्रीज में ये चीज हो चुकी है। सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही सही विद्या मिलेगी या नहीं चलेगा। ऑटो चलाने वाले का बच्चा हो या टाटा बिरला का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं होगा। जब ये सब होगा तो हमारा देश कैसा होगा पता है? पढ़ाई करने वालों की संख्या 100% हो जाएगी, चाइल्ड लेबर इंडिया से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कब हमारे देश के नेता लोग उसूल के साथ काम करेंगे? एक निरोगी समाज का निर्माण होगा। देशभक्ति की भावना हम में से हर एक इंडियन के दिल में उभर के आएगी। विद्या इस देश के बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनसे वो छीन कर उनका अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। मैं जानता हूं इस दुनिया में सिर्फ 2 पावर्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा मीडिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस देश की जनता को बताइए, मेरे लिए नहीं, अपने देश के लिए। जय हिंद।